तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग, मैं आ गया हूँ फिर से एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। एंड आज मेरे पास है रियलमी C21 जिसका मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। एंड दोस्तों मेरे पास जो वेरिएंट है वो 3/32 वाला है। एंड यहाँ पे पीछे की साइड आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स कंटेंट में हमें सबसे पहले एक फ़ोन देखने को मिल जाता है जो कि ब्लू कलर में, क्रॉस ब्लू कलर इसका नाम है दोस्तों, जो कि यहाँ पे साइनिंग इसका काफ़ी मस्त है, काफ़ी लुक जिस इसका है काफ़ी मस्त इस प्राइस पॉइंट पे। एंड एक यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, साथ में सिम इजेक्टर टूल जिसको यहाँ पे अभी रखते हैं साइड में। और साथ में दोस्तों आपको 10 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है, 10 वॉट का अडेप्टर जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड एक माइक्रो USB टू USB डेटा केबल देखने को मिलता है। तो चलिए सबको अभी रखते हैं साइड में फिलहाल के लिए। एंड ये रहा हमारा फ़ोन जो कि 3/32 वाला वेरियंट है यहाँ पर मेरे पास। एंड ये क्रॉस ब्लू में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पीछे की साइड आपको स्पीकर देखने को मिलता है एंड फिंगरप्रिंट। एंड यहाँ पे ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलता है विथ फ्लैश लाइट। तो पीछे का लुक जो है काफ़ी मस्त है, यहाँ पे क्रॉस डिज़ाइन मिलता है। एंड साइड में आपको वॉल्यूम बटन, पावर बटन देखने को मिलता है। एंड दूसरे साइड में आपको सिम स्लॉट जो कि डेडिकेटेड सिम स्लॉट है दोस्तों। एंड नीचे की साइड आपको हेडफोन जैक, माइक्रोफोन एंड चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। तो चलिए फ़ोन को बूट कर लेते हैं। तो मैंने फ़ोन को ऑन कर लिया एंड यहाँ पे सारा सेटअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है 6.53 इंच का HD+ डिस्प्ले है। एंड इसका वाटर ड्रॉप सेल्फी है दोस्तों जो कि 8 MP का है। एंड दोस्तों इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। साथ में आपको इसमें हीलियो G35 का प्रोसेसर है जो कि गेमिंग में आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गेमिंग का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। एंड रियर कैमरा दोस्तों 13 MP का है जो कि AI कैमरा है। एंड साथ में आपको एक मैक्रो लेंस भी देखने को मिलता है जिसका मैं सैंपल आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अबाउट फोन में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रियलमी UI वर्जन 1.0 है एंड यहाँ पे एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट अभी देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 11 का अपडेट आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता। तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पर प्रोसेसर आपको काफ़ी मस्त देखने को मिलता है, साथ में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब इसका कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, इसका जो कैमरा किस तरह का हमें जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है इस फ़ोन में इस कैमरे से। तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ सैंपल देख सकते हैं जो कि मैंने इस फ़ोन के कैमरे से क्लिक किया है, मैक्रो में, पोर्ट्रेट में। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि फ़ोन का कैमरा किस तरह का यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है, यहाँ पे फ़ोटोज़, यहाँ पे सेल्फी वगैरह। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पूरा यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको इस फ़ोन की कैमरा की क्वालिटी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। इस प्राइस पॉइंट पे कैमरा इसका अच्छा है या नहीं आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं फ़ोन में अपना पासवर्ड लगा लेता हूँ, फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक। एंड चेक करेंगे इसका जो फेस लॉक कितना फास्ट है एंड फिंगरप्रिंट। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले पासवर्ड यहाँ पे लगा लेता हूँ, फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक। तो दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली फिंगरप्रिंट सेट हो चुका है। एंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना फास्ट है। तो यहाँ पे मैंने टच किया एंड यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। तो यहाँ पे काफ़ी फास्ट है फिंगरप्रिंट, आप देख सकते हैं मैंने टच किया एंड यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। तो इसका फिंगरप्रिंट रीडर है काफ़ी फास्ट है। एंड यहाँ पे फेस लॉक चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे अनलॉक हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे लॉक स्क्रीन पर था। तो इसका जो लॉक भी यहाँ पे फेस लॉक भी काफ़ी फास्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं अनलॉक हो चुका है तुरंत, जैसे ही मेरे फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है यहाँ पे अनलॉक हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक काफ़ी फास्ट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे ये फ़ोन काफ़ी मस्त है। एंड दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। एंड दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। एंड अगर आप इस फ़ोन को परचेस करना चाहते हो तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नई अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।